Hello everyone, welcome to Global Online. I am Rahul sir. So, as you know, friends. कि आ, आपके जून 2023 का जो एग्ज़ाम है उसमें अब लगभग सिर्फ 50 टू 55 डेज रह गए हैं तो आज मैं अपने डबल जीआरएफ के एक्सपीरियंस पर आपको कुछ ऐसी प्रो टिप्स दूंगा जिससे यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द जून जीआरएफ इन योर जून 2023 एग्ज़ाम बिफोर स्टार्टिंग देर इज़ एन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि लगभग फिफ्टी डेज का टाइम ही आपके एग्जाम के लिए बचा है uh, you, तो हम आपके लिए रिवीजन क्रैश कोर्स लेके आए हैं जो आपके जून 2023 एग्ज़ाम में आपको जे दिलाने में बहुत इम्पोर्टे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो यू विल गेट डेली लाइव एंड वीडियो लाइव लेक्चर्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लाइव लाइव लेक्चर्स में ऐसा है कि आप अपने कोई भी डाउट जो है वो पूछ सकते हो देन फुल सिलेबस नो नोट्स आपको मिलेंगे जो कि पीडीएफ फॉर्म में है जो दोनों मीडियम के बच्चों के लिए काम में आ सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में उपलब्ध है देन 60 प्लस बायलैंगल मॉक टेस्ट अपने पास अवेलेबल uh, है ये भी आपको मिल जाएगा क्योंकि मॉक टेस्ट की एग्जाम में अपनी इंपॉर्टेंस होती है देन टू प्लस एम क्वेश्चन बैंक यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें आपको थ्री कैटेगरीज मिलेंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड एम मोस्ट पीटेड एम सी क्यूज एंड ऑल पी वाई क्यूज विथ एक्सप्लेनेशन ठीक है और इसको आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप दोनों लैपटॉप और मोबाइल दोनों पे ही एक्सेस कर सकते हो अब फ्रेंड्स ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करना है और इस कोर्स की जो फीस है वो फोर थाउजेंड है बट इस पर सिक्सटी परसेंट का डिस्काउंट जो है सॉरी फोर्टी परसेंट का डिस्काउंट जो है वो अभी चल रहा है तो दिस इज़ फॉर ओनली ट्वेंटी फोर हंड्रेड में आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाएगा यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप खाली नीचे दिए नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं अब मैं फट से बता देता हूँ कि आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं तो सबसे पहले आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करना है डाउनलोड करने के बाद आपको स्टोर बटन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको जस्ट रिव्यू यू नेट पे आ, 2022 टाइप करके आपको ये पेपर वन का कोर्स मिल जाएगा उसके बाद यहाँ पे ये पेमेंट ऑप्शन आएगा और पेमेंट ऑप्शन के बाद यहाँ पे आपको बहुत हर ले हर यूनिट की डेमो लेक्चर्स हिंग्लि श्योर हिंदी मीडियम में अवेलेबल है जिस भी भी आप कंपर्टेबल है आप चाहे तो डेमो दे सकते हैं और देख सकते हैं और लेने के बाद आपको यहाँ पर जितना भी कंटेंट है चाहे वो मॉक टेस्ट हो वीडियो हो सारी चीज़ें मिल जाएगी यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इन दो नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नाउ लेट्स कम बैक टू दीडियो सबसे पहले अवर टाइटल इज वॉट प्रो टिप्स टू क्वालिफाई जे आर एफ अब ऐसी कौन सी टिप्स हैं विच आई हैव यूज एंड यू इट विल हेल्प यू अलाउड टू गेट यूर जे आर एफ फर्स्ट ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज योर माइंड सेट ओके दिस योर माइंड सेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो आप अपने माइंड में इस लाइन को बैठा दीजिए बोलोगे सर क्या मजाक है मजाक नहीं है दिस इज रियलिटी जस्ट अ सेकेंड थोड़ा सा ये टाइम लगे इन विच एवर सब्जेक्ट यू आर कंपेटिबल जो भी आप सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हो ये लाइन को आप अपने पास लिख दीजिएगा जो भी आपका सब्जेक्ट है आई हैव क्वालिफाइड गे आर एफ फिथ असिस्टेंट प्रोफेसर जून 2023 ये लाइन जो है अब बोलोगे सर अभी तो एग्जाम नहीं हुआ अभी फॉर्म नहीं आया ये क्या मजाक कर रहे हो दिस इज़ नॉट अ जोक दिस इज ये आप जिस जिस भी चीज़ों को आप सोचना चालू कर देते हो जिस भी चीज़ों को आप विजुअलाइज वेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग द थिंग्स इट है इट कम्स इट चेंजेस इन टू रियलिटी दिस इज द एक्चुअल फैक्ट साइंटिफिक फैक्ट विच आई हैव यूज एंड डेली यूज़ दिस लाइन जब भी आप उठते हो सुबह उठते हो इस लाइन को विजुअलाइज़ करते रहिए कि भाई मेरा जे हो गया क्योंकि इससे क्या होता है अब बहुत से लोगों का एग्ज़ाम जो है जून वाला फे, सॉरी फेबरवरी वाला अटम्प जो था वो मे बी Uh, किसी किसी ना किसी रीज़न से रह गया होगा तो आप इस चीज़ को आप फॉलो कीजिए कि आप ये जो है अपनी लाइने अपनी आदत बना लीजिए अपने हैबिट बना लीजिए तीन चार बार जहाँ पे भी आप पढ़ते हो गए वहाँ पर इसको लगा दीजिए ताकि आपके माइंड में ये चीज़ जाती रहे क्योंकि ये लाइन एक ऐसी लाइन है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट करेगी इट विल मोटिवेट यू टू स्टडी की नहीं भाई हमको क्वालिफाई करना है आई हैव टू क्वालिफाई दिस जून ट्वेंटी एग्ज़ाम सो यू विल फील मोटिवेटेड देन सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वॉट स्टॉप ओवर थिंकिंग जो भी ओवर थिंकिंग आप करते हो फॉर एग्जाम्पल यू हैव द एंटायर सिलेबस ओके यू हैव एंटायर सिलेबस पेपर ऑफ बोथ पेपर वन एंड पेपर टू सबसे पहले तो हमारा यही सूचना आवर टाइम इज गेट वेस्टेड इन वॉट इन ओवर थिंकिंग विच यूनिट आई फ्रॉम विच यूनिट आई शुड स्टार्ट अरे जस्ट इट्स नॉट टाइम टू थिंक इट्स टाइम टू वर्क इट्स टाइम टू टेक एक्शन जस्ट विच एवर यूनिट यू आर यू लाइक यानी आपको जो भी यूनिट आप पसंद है आप वहाँ से स्टार्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं है कौन सी यूनिट होती है uh, कौन सी यूनिट से आप चालू कर रहे हो आपको पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट नहीं पसंद है मत अभी मत कीजिए उसको बाद में करना आपको आईसीटी आता है कम्युनिकेशन आता है सिंपल है आप वहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप बट करिए चीज़ों को करिए और सोचिए मत भाई प्लान योर डे इन एडवांस ठीक है दिस इज द सब टिप फॉर दिस योर प्लान योर डे इन एडवांस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सुबह रात को ही यदि पाँच मिनट दोगे पाँच मिनट यदि इस्पेस स्पेंड करोगे कि भाई मुझे आज एक डीआई लगाना है एक आर लगाना है और एक दस बीस एम सी सॉल्व करने हैं और अपना टीचिंग एप्टीट्यूड जो है उसके ये ये टॉपिक्स पढ़ने हैं तो इससे आपकी आर की प्रैक्टिस होगी प्लस आपकी जो इम्पोर्टेंस जो यूनिट आप कवर कर रहे हो उसमें भी आपको पता रहेगा कि दूसरे दिन मुझे क्या पढ़ना है अदरवाइज़ पीपल स्पेंड टाइम और ये ऐसे करके फिफ्टी फिफ्टी अगर आप वन थर्टी मिनट्स डेली प्लानिंग पे वेस्ट करोगे तो उसको आपके 1500 मिनट्स तो ऐसे ही गए काम से उतने में आप कुछ जो है नया पढ़ लोगे Okay. this is an important tip which uh, you, i used to, uh, used to use uh, when i was uh, at preparation stage now so now third tip is what set your target set your goal your weekly goal weekly goal means कि पूरी वीक में आप संडे को जैसे फ्री रहते हो तो संडे को यू कैन राइट ऑल द थिंग्स कि आपको वीक में क्या क्या पढ़ना है कौन सी यूनिट का कितना टाइम देना है क्योंकि वी हैव एन अप्रॉक्सीमेट वी कैन एस्टिमेट कि भाई ये यूनिट को इतना टाइम लग सकता है इतना uh, हमारे पास टाइम है सम ऑफ यू मे बी डूइंग जॉब सम ऑफ यू मे बी डूइंग फुल टाइम प्रिपरेशन सो अकॉर्डिंग टू योर टाइम स्लॉट डोंट थिंक कि हमको कितना घंटा पढ़ना है दैट इज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट कि आप कितने प्रोडक्टिवली पढ़ लें हाउ प्रोडक्टिवली हाउ योर स्टडीज मोर प्रोडक्ट योर स्टडी शुड बी मोर प्रोडक्टिव रदर दैन दैट यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन योर स्टडी ज मोर इंपॉर्टेंट कि आपको अपना अपने वीकली गोल को सेट करना है फॉर एग्जाम्पल मुझे एक हफ्ते में आज ये टीचिंग यूनिट कंप्लीट करनी है और टीचिंग के साथ साथ मैं डेली आर और एक आधा कोई छोटा सा पोर्शन जैसे पी वाई क्यूज वगैरह मॉकटे देन थर्ड टिप आती है कि दिस इज अडिसिन टू गेट दर एफ दिस इज रियली मेडिसिन बिकॉज नाव नाव आजकल एन टी ए जो है वो किसी भी टॉपिक को किसी के भी साथ मिक्स करके पूछ रहा है और अगर आपको एक लाइन नहीं आई तो आपको आंसर नहीं आएगा ये अर्लियर वॉट यूज टू हैपन अब ये एक क्वेश्चन लेवल्स ऑफ टीचिंग से पूछ लेता था वी नो वी ऑल नो कि व्हाट इज मेमोरी लेवल व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग लेवल व्हाट इज रिफ्लेक्टिव लेवल सब पता है अपने को तो बस अपन लगा देते थे बट आजकल एन टी ए क्या कर रहा है उसी क्वेश्चन में लेवल्स ऑफ टीचिंग डाल रहा है उसी क्वेश्चन तीनों लेवल्स एक ही क्वेश्चन में पूछ लेता पहले क्या था बस मेमोरी लेवल का क्वेश्चन है हाँ रेसिटेशन uh, वर्ड पना चल भाई ये मेमोरी लेवल है लगा दिया बट आजकल वैसा नहीं हो रहा है तीनों की तीनों लेवल्स आपको एक म, एक ही इसमें पूछ लेते हैं तो यू शुड हैव अ थोरो नॉलेज ऑफ द टॉपिक फॉर एग्जांपल नाउ वट इज़ इन टीचिंग चलो टीचिंग ही निकला है तो टीचिंग की एग्जाम्पल लेते हैं कि आपके पास बहुत सारे मॉडल्स हैं एडवांस ऑर्गेनाइजर है कंसेप्ट अटेन्मेंट है ब्लूम की टेक्सोनॉमी है जो कि आज के एग्ज़ाम के आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अब हायर एजुकेशन है हायर एजुकेशन में हायर एजुकेशन में आपको कितना पूरा का पूरा स्टैटिक है यू डोंट हैव टू यूज योर माइंड यहाँ पे देन फो तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको ध्यान दिस सेम टिप्स आर एप्लीकेबल फॉर पेपर टू ऑल्सो मैं यहाँ पेपर टू के लिए अलग से स्ट्रैटेजी बनाऊ बताऊँगा आई विल टेल यू हाउ यू कैन टैकल योर पेपर टू बिकॉज एवरी वन सब्जेक्ट इज डिफरेंट सो इट आई एम टेलिंग अ कॉमन स्ट्रैटेजी ओके आपको एक कॉमन स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ कि आज के जो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी ऑफ एन टी ए की भाई ये चाहता क्या है इसके अकॉर्डिंगली आप, आपको काम करना पड़ेगा यू कांट स्किप यानी ऐसे ही जस्ट दिस एग्जाम इन दिस एग्जाम व्हाट यू आर डूइंग डज नॉट मैटर व्हाट यू आर आर यू डूइंग इन राइट डायरेक्शन दिस थिंग्स मैटर ओके आप सही दिशा में जा रहे हो क्योंकि भाई यू आर गोइंग इन प्रॉपर डायरेक्शन और नॉट दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट आप नो डाउट इफ यू हैव लेस टाइम टारगेट ओनली सेवेंटी परसेंट सिलेबस और 80% परसेंट सिलेबस और इफ़ यू फील एनी यूनिट इज डिफिकल्ट 90% परसेंट नाइन्टी परसेंट सिलेबस यू डू बट इंस्टेड इन नाइनटी हंड्रेड परसेंट सिलेबस को कचरा करने से अच्छा है कि आप जो भी सेवेंटी एटी नाइन्टी परसेंट सिलेबस करोगे यू शुड बी हैव अ फुल कॉन्फिडेंस फुल नॉलेज एंड ऑल द थिंग्स यू शुड बी एबल टू डू करेक्टली फ्रॉम दिस यूनिट इन यूनिट्स को इतना स्ट्रांग कीजिए कि खाली इसके भरोसे पे आपके ए टी प्लस नंबर जो है वो पेपर वन में आ जाए क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आउट ऑफ कंटेक्स आ जाती हैं लेटेस्ट एक इंपॉर्टेंट टिप है ऑल मैं दूंगा फर्स्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट यू विल हैव टू प्रैक्टिस लीस्ट थर्टी टू फोर्टी मॉक टेस्ट बिफोर एग्जाम थर्टी टू फोर्टी मॉक टेस्ट विच विल बी वॉट एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट विल बी देयर विच आर अवेलेबल इन अवर कोर्स आवर कोर्स टू सो थर्टी फोर्टी मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही पड़ेंगे ऑफ पेपर वन के तो आप थर्टी फोर्टी लगा लीजिए इससे आपकी तीस चालीस डी आई की प्रैक्टिस हो जाएगी तीस चालीस आर सी की प्रैक्टिस हो जाएगी एंड यू विल फील कॉन्फिडेंट कि भाई अगर अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट में सपोज आपको बहुत कम नंबर आए सेकेंड में वो धीरे धीरे इंप्रूव होंगे यू विल स्टार्ट इंप्रूविंग यू विल बी एबल टू मैनेज टाइम तो मॉक टेस्ट तो आपको लगाना है दिस ऑल्सो आई यूज आई हैड यूज दिस स्कोर्स ओनली दिस मॉक टेस्ट सीरीज ओनली वेन आई वॉज प्रिपेयरिंग सो इट वॉज वेरी मच हेल्पफुल टू टैकल द क्वेश्चन इन एग्जाम क्योंकि वॉट यूर वॉट यू आर प्लान वॉट यू आर डूइंग इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड सेवेंथ सेवेंथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज वॉट सेवेंथ एंड डू पी वाई क्यूज ऑफ ऑल यूनिट विथ डिटेल्ड एनालिसिस यानी आप अगर एक पीवाई क्यू लगा रहे हो आप अगर एक पीवाई क्यू लगा रहे हो तो उसकी चारों ऑप्शन के बारे में यू शुड हैव अ कंप्लीट नॉलेज अबाउट फोर यूनिट्स बिकॉज फॉर फॉर सपोज दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस ए बी सी डी इज एन ऑप्शन ओके फॉर एग्जाम्पल आई आई आस्क विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल इज गिवन बाय मॉरिस एल ब्रिगर विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज मॉरिस एल इज वॉज गिवन बाय मॉरिस एल ब्रिगर यह आपके सामने एक क्वेश्चन है देन वी हैव फोर ऑप्शन लेवल्स ऑफ टीचिंग डोमेन्स ऑफ डोमेन्स ऑफ लर्निंग लर्निंग थ्योरीज एंड नन ऑफ द अब तो ये जो तीन ऑप्शंस मैंने आपको बताई जैसे लेवल्स ऑफ टीचिंग इट वॉज गिवन बाय मॉरिस एल ब्रिगर ऑल द थ्री डिफरेंट लेवल्स हर एक को अपने अपने ने दिया बट बेसिक कंसेप्ट जो था वो मॉरिसल ब्रिगर ने दिया था तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी देन सेक चारों ऑप्शन जो जैसे मैंने दो टिप uh, दो बताए डोमेन्स ऑफ लर्निंग और ये जो है लर्निंग uh, थ्योरी ये क्या होती है ये आपको बारे में पता होना चाहिए क्योंकि अगर पी वाई क्यू में ये ये पूछ रहा है तो अगली बार वो डोमेन्स से क्वेश्चन पूछेगा अगली बार वो लर्निंग से क्वेश्चन पूछेगा तो दिस थिंग्स यू शुड नो पी वाई क्यूज का आपने डिटेल uh, ये करना है और आपकी माइंडसेट जो है कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी आपकी आपकी खुद की और आपकी माइंडसेट की जो सॉरी दिस इज टिप नंबर एट यू हैव टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी क्योंकि चाहे आप किसी दिन नहीं पढ़ पाते हो सिर्फ आधा घंटा पढ़ते हो बट पढ़ो भाई वीडियो देख लो कुछ को, कोई दिक्कत नहीं है आप यू आर वर्किंग वर्किंग जस्ट पुट पुट द हेडफोन इन योर ईयर्स एंड यू कैन

ट फ्रॉम दिस सेवेंटी अप्रैल टू थर्टींथ मे और ऑन द डे विच योर एग्जाम इज देअर यू विल हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट रिगार्डिंग योर जे आर एफ यानी ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए बट फिर भी भाई मैं कर सकता हूँ अब मेरे पास पचास ही दिन है आई शुड आई कैन डू इट आई विल हैव टू डू इट आई हैव टू डू फॉर माई पेरेंट्स दिस एटीट्यूड शुड बी देयर कॉन्फिडेंस जो है वो तो आपको आखिरी तक बना के ही रखना पड़ेगा क्योंकि जब मे आएगा मे आएगा फिर जून आएगा जून के आएगा तो फिर टेंशन भी आएगा इसलिए अभी से यू विल हैव टू स्टे फोकस्ड एंड बी कॉन्फिडेंट एंड कीप कीप ऑन प्रिपेयरिंग कीप ऑन स्ट्रेंथनिंग योर वीक टॉपिक्स विच दिस इज द अगेन मास्टर टिप देन वेन यू आर स्टडिंग टेक ब्रेक्स टेक ब्रेक्स मीन्स इट डजेंट मीन्स

घूम के आ गए घर घर में कुछ काम है छोटा मोटा वो करके आ गए तो ये पाँच मिनट में आप ये काम कर सकते हो जिससे क्या होगी आपकी एनर्जी है चैनलाइज होगी बिकॉज इफ यू आर सिटिंग फॉर थ्री टू फोर आवर्स फाइव आवर्स ऑन अ सिंगल प्लेस नॉट मूविंग हियर एंड देयर योर एनर्जी विल गेट एग्जॉस्टेड एंड आफ्टर दिस फोर आवर्स यू विल फील कंप्लीटली एग्जॉस्टेड योर माइंड विल नॉट स्टडी फॉर द एंटायर रिमेनिंग टाइम ऑफ दैट डे दिस इज़ द मेन थिंग which you have to uh, take uh, you have, should take breaks a uh, very small breaks 5 to 10 not more than 10 minutes while studying so this was all the important tips ultimately what matters ultimately this thing matters 3 hours performance in the final exam whenever you will have the exam on whichever date in the month of june or july in the beginning of july uh, july uh, the, as you know that the exam are starting for th from 13th june so this 3 hours performance is uh, will decide that whether you can get you will have to be neutral uh, neutral then be analytical and keep your mind cool okay keep your mind cool and don't don't feel, uh, don't feel anxiety or tense on any question. If you want still want to fa uh, face so these were all tips. first you will have to think that first you will uh, keep your mindset. let me revise you. First you will keep this line in mind. Second, then stop overthinking, then plan your day in advance, then set, set out your weekly goals, then revision. Revision, then revise the static portion on daily day. Then target whatever target it should be 100%. Then practice mock test, do PYQs and PYQ analysis. And after this, remove randomness, randomness, and be confident. And another important tip regarding this mock test, I will like to give. Don't take mock test for granted mock take mock test as an real exam okay as a real exam so that you will in real exam you will also do, uh, avoid those mistakes uh, which you have done in the mock test so that's all for uh, today's video i hope you enjoyed it thank you if you like the video just hit the like button